हाँ जी, गुड इवनिंग। आज के टाइम पे ना इंडिया में स्टार्टअप कल्चर बहुत ही बढ़िया बूम पे है, और इसके चलते जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स निकल के आते हैं, अगर वो मेहनत करके अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बना जाते हैं तो हज़ारों करोड़ रुपए कमाना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं निकल के आती। और मज़े की बात क्या है, ये जो हज़ारों करोड़ रुपये कमाए जा रहे हैं उस पर टैक्सेस भी नहीं पे करे जा रहे। क्यों भाई, टैक्स पेबल नहीं निकल के आता? बिल्कुल निकल के आता है, तो फिर क्यों नहीं पे करे जा रहे? क्या टैक्स एविजन करी जा रही है? नहीं, कोई टैक्स एविजन नहीं है, प्योरली यहाँ पे टैक्स प्लानिंग करी जा रही है। और वो कैसे करी जा रही है, कौन से सेक्शंस को यूज़ करा जा रहा है, वही सारी चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए केस स्टडी को चालू करते हैं। आज वाली केस स्टडी के अंदर टैक्स प्लानिंग को समझने के लिए हम मेरे बचपन के दो बहुत ही करीबी दोस्त, एक मिस्टर अमन गुप्ता और दूसरे आनंद महिंद्रा जी, इन दोनों को लेकर चलेंगे। एंड इनके आसपास एक केस स्टडी स्ट्रक्चर करके मैं आपको दिखाऊंगा टैक्स प्लानिंग कैसे करी जाती है। अभी केस स्टडी जो भी आपको बताई जाएगी उसमें जो भी फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा वो तो हाइपोथेटिकल होने वाले हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बता के जो भी टैक्स प्लानिंग टेक्निक मैं आपको बताऊंगा वो हाइपोथेटिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल है, और उसको आज के टाइम पे फॉलो करा भी जा रहा है मल्टीपल फाउंडर्स के द्वारा, जस्ट टू इंश्योर दैट उनके जितने भी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में टैक्स पेबल निकल के आता है वो जीरो हो जाए। जीरो हो जाता है, कैसे होता है समझिए। मान के चलिए अभी अभी मिस्टर अमन गुप्ता ने बोट कंपनी फ्लोट करी है। फ्लोट करने का मतलब अभी अभी बोट कंपनी बनाई है, तो कंपनी बनाते ही पूरी की पूरी शेयर होल्डिंग किसके पास होने वाली है? इनके पास ही होने वाली है। तो 100% शेयर ये वाली जो कंपनी निकल के आ रही है उसके इनके पास होने वाले हैं। अब कंपनी जब भी बनाई जाती है ना, तो बनाते ही ये सैलरी नहीं ड्रॉ करने लग जाएंगे। थोड़े टाइम तक, जब तक कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो जाती तब तक कोई भी इनकम नहीं कमाएंगे। तो अभी तो इनके हाथ में कोई भी इनकम आ भी नहीं रही थी, और क्योंकि इनकम नहीं आ रही थी टैक्स पेबल भी नहीं आ रहा था। धीरे धीरे करके इन्होंने क्या करा, मान के चलिए कंपनी बनाने के टाइम पे कंपनी के अंदर 50 लाख रुपए इन्फ्यूज़ करे थे। अब धीरे धीरे करके यही वाली कैपिटल को लेके 50 लाख को लेके ग्रो करने लग जाते हैं कंपनी को। अब कंपनी का बिजनेस चल रहा है, मान के चलिए 3 साल के विदिन अच्छी खासी हाइट पे पहुंचा दिया है इन्होंने कंपनी को अपनी ही कैपिटल के बेसिस पे। अभी तक कोई भी इन्फ्यूजन नहीं करा गया है नई वाली कैपिटल का। तो ये 50 लाख को ग्रो कर करके इन्होंने क्या कर दिया है, कंपनी को मान के चलिए अच्छी खासी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की वैल्यूएशन पे पहुंचा दिया है। अब क्या चाहिए इनको, अब इनको थोड़े बहुत पैसे चाहिए, इतनी मेहनत करी है तो थोड़े तो रिवॉर्ड होने चाहिए। ये क्या कर रहे हैं, ये अपने स्टेक में कुछ ना कुछ बेचने को तैयार हो गए हैं ताकि खुद के लिए भी थोड़े पैसे आ जाएं। अभी तक कंपनी से कुछ भी विड्रॉ नहीं करा था। ये पहुंचते हैं किसी न किसी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास, मान के चलिए मेरे जो दूसरे दोस्त हैं उनके पास ये पहुंच जाते हैं। और उनके पास पहुंच के क्या करते हैं, बोलते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ स्टेक अपना बेचना है, लेटेस्ट से 20% बेचना है, आप वैल्यूएशन करवाइए मेरी कंपनी की, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो वाला स्टेक जितना मैं बेचना चाह रहा हूँ वो कितने पे खरीदने को तैयार हो जाएंगे वो बताइएगा। इन्होंने अपने वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवाई, पता चला 2500 करोड़ की वैल्यूएशन निकल के आ गई है आज के टाइम पे, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कोई भी स्टार्टअप चल जाता है तो हज़ारों करोड़ों में वैल्यूएशन निकल के बहुत आसानी से आ जाती है। ये तो मैं फिर भी लोअर साइड पे बोल रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा की वैल्यूएशन काफ़ी केसेज में निकल के आ जाती है। तो इतने की अगर कंपनी की वैल्यू है और मान के चलिए 20% स्टेक अपना देना चाहते हैं मिस्टर आनंद महिंद्रा को, तो 20% स्टेक की वैल्यू कितने की निकल के आएगी, 500 करोड़ की। अब होने क्या वाला है, पूरे के पूरे शेयर इनके हाथ में थे जिनमें से 20% ये इनको देने वाले हैं, और बदले में क्या मिलने वाले हैं, 500 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं 2500 करोड़ की वैल्यूएशन पे। तो अब ये 500 करोड़ रुपए जो भी इनके हाथ में आने वाले हैं, पहली बार कुछ ना कुछ पैसा आया है, टैक्सेबिलिटी क्या होने वाली है, अभी तक तो कोई भी इनकम नहीं आ रही थी, एकदम से 500 करोड़ रुपए आ गए हैं, और ये आते ही टैक्सेबिलिटी इनके हाथ में अराइज हो जाएगी। कहाँ पे होने वाली है, कैपिटल गेन्स हेड के अंदर होने वाली है, क्योंकि शेयर्स को खरीदना बेचना इनका बिजनेस नहीं है। अगर बिजनेस होता तो पीजीबीपी इनकम आती, लेकिन क्योंकि ये बिजनेस नहीं है, अब कौन सी इनकम आने वाली है, अब इनकम आने वाली है कैपिटल गेन्स हेड की। जो निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, पहले हमें चेक करना होता है कि ये जो भी एसेट है जो आपने बेची है ये लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म है। अब रिवाइज करना चालू करिए सेक्शंस को। सेक्शन नंबर 242A क्लास के अंदर आपको बताया गया था, अगर आपने जो भी एसेट बेची है वो क्या है, वो कोई भी अनलिस्टेड शेयर्स हैं, तो उनको बेचने के टाइम पर चेक करिएगा पीरियड ऑफ होल्डिंग कितने का निकल के आता है। 2 साल के विदिन निकल के आता है तो माना जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेची है, नहीं तो माना जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेची है। अब इनके केस में मैंने आपको क्या बताया था, याद करिए, मैंने बोला था 3 साल के बाद इन्होंने ये वाले शेयर्स को बेचा है, 3 साल तक होल्ड करके रखा था, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये बन जाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को अगर आप बेचते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आते हैं। जो निकालने का प्रोसेस क्या निकल के आता है, अगेन रिवाइज करिए सेक्शन नंबर 45। यहाँ पे आपको बोला जाता है फुल वैल्यू कंसिडरेशन, जितना भी पैसा मिला है वो यहाँ पे लिखिए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी जो भी निकल के आती है, जो कि हमारे केस में कितने की है, 50 लाख रुपीज़ इन्फ्यूज़ करे थे 100% शेयर्स को एक्वायर करने के लिए, तो 20% के लिए आपकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितने की निकल के आ जाएगी, 10 लाख की निकल के आ जाएगी। इजी सी कैलकुलेशन है। तो 10 लाख रुपीज़ आप यहाँ पे लिख के माइनस कर सकते हैं कैपिटल गेन्स कंप्यूट करने के प्रोसेस में, लेकिन मजे की बात ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, तो यहाँ पे इंडेक्सेशन भी करी जाएगी, और इंडेक्सेशन करके जो भी यहाँ पे वैल्यू निकल के आती है 12-15 लाख की, उतनी आप लिख पाएंगे, वो आप वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, और लिखने के बाद आपके कैपिटल गेन्स रफली 500 करोड़ के ही निकल के आ जाएंगे, 499 पॉइंट समथिंग के निकल के आएंगे। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम इसको 500 करोड़ ही मान के चलते हैं। तो इतने के कैपिटल गेन निकल के आ गए। अब आगे बढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इस पर टैक्सेशन का रेट क्या निकल के आता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की बात करेंगे तो अलग अलग सेक्शंस हैं, या तो 111A है या फिर नॉर्मली आपके ऊपर जो भी रेट लगते हैं वो लगते हैं, बट ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। कहाँ कहाँ पे आ सकता है, 112A के अंदर आ सकता है या फिर 112 के अंदर आ सकता है,
अब दोनों में से कहाँ पे आएगा? 112A की बात करेंगे तो यहाँ पे तीन ही एसेट्स आती हैं जिन तीन के अंदर अनलिस्टेड शेयर्स कवर नहीं होते हैं। याद आ रहे हैं क्लास वाले सारे सारे कॉन्सेप्ट्स? तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 500 करोड़ रुपए का अभी अभी मिस्टर रमन के हाथ में, मेरे पहले दोस्त के हाथ में निकल के आया है, ये पूरा का पूरा कैपिटल गेन कहाँ पे टैक्सेबल होने वाला है? 112 के अंदर। एंड 112 के अंदर अगर आप सिक्योरिटी वाइज चेक करेंगे कौन सी सिक्योरिटी के लिए क्या रेट लगता है, तो इसके लिए आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे रेट निकल के आता है 20% का। तो 500 करोड़ रुपए की इनकम यहाँ पे निकल के आ गई है कैपिटल गेन की तरह, जिस पे 20% का टैक्सेशन का रेट लगने वाला है, और मजे की बात 4% का तो सेस भी लग जाएगा। तो 500 करोड़ पे 20% अगर आप कंप्यूट करते हैं कितना निकल के आ जाएगा? 100 करोड़। ये आपको सरकार को टैक्सेस के नाम पे करना पड़ेगा। और मजे की बात, ये जो 100 करोड़ है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इनकम निकल के आ रही है, इसमें सरकार ऐड करती है 15% का सरचार्ज। 15% किसका? यही वाली फिगर का। तो इसका 15% कितना निकल के आ जाता है? 15 करोड़। ये ऐड करने के बाद फिगर निकल के आ जाती है 115 करोड़ की, जिसमें 4% सेस भी आपको ऐड करना पड़ेगा। वो ऐड करके फिगर आपकी कितनी की निकल के आ जाती है? यहाँ पे अगर आप 4% सेस ऐड करते हैं तो 4.6 CR इतना ऐड हो जाएगा, जो कि ऐड होने के बाद फिगर आपकी निकल के आ जाएगी रफली 120 करोड़ की, 119.6 की निकल के आ जाएगी, 120 मान के चलते हैं। तो 500 करोड़ रुपए की कंसिडरेशन आते ही 120 करोड़ रफली आपको सरकार को देने पड़ेंगे। क्या बहुत बड़ा हिट लगता है? बिल्कुल। और यही हिट को मिनिमाइज करा जा सकता है बाय मेकिंग दिस टैक्स पेबल टू द गवर्नमेंट 0। कुछ भी नहीं पे करना पड़ेगा। कैसे? बहुत ही छोटा सा एक प्यारा सा सेक्शन हमने पढ़ा था, सेक्शन नंबर 54F, वो यहाँ पे यूज़ करा जाएगा। और यहाँ पे क्या करा जाएगा? ये इंसान क्या करेगा, मार्केट में जाएगा, हंटिंग करेगा, और कोई भी बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी, जो भी बहुत ही टाइम से लेने का मन था, वो प्रॉपर्टी खरीद लेगा। मान के चलिए बंगलो खरीदा गया है जिसकी वैल्यू निकल के आती है 550 करोड़ की। थोड़ी कैपिटल पहले से भी पड़ी हुई थी, थोड़ी कैपिटल वहाँ से जो भी पैसा आया था 500 करोड़ का वहाँ से लगा दी है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये वाली प्रॉपर्टी आपके पास आ चुकी है। और अब मजे की बात क्या होने वाली है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जितने भी आपके हाथ में निकल के आ रहे थे शेयर्स को बेच के, वो पूरे के पूरे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई थी सेक्शन नंबर 54F के अंदर, जितनी भी नेट सेल्स कंसिडरेशन है पूरी की पूरी अगर आप नई वाली एसेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि कोई प्रॉपर्टी निकल के आती है, तो पूरे पुराने वाले कैपिटल गेन्स आपके हाथ में हो जाते हैं एग्जेम्प्ट। और वही सेक्शन का यहाँ पे बहुत ही अच्छे से फायदा उठाया जाता है। तो प्रैक्टिकली होने के वाला है, आपके पास पूरी की पूरी कैपिटल आ भी गई 500 करोड़ की, आपने 20% स्टेक अपना दे भी दिया है किसी भी इंसान को, वो स्टेक का फायदा उठाने वाले हैं। कल को आपकी कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो इनको भी फायदा होगा, क्योंकि 20% स्टेक आपकी कंपनी में इनको मिल गया, एंड रिमेनिंग 80% स्टेक अभी भी आपके पास है। और उसके साथ साथ आपके पास 500 करोड़ आ गए हैं, जिसमें से 120 आपको सरकार को देने की जरूरत नहीं है, पूरे के पूरे कैपिटल गेन्स आपके एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। और ये वाली प्रॉपर्टी में आपको क्या क्या फायदे हो गए? प्रॉपर्टी आने की वजह से आपका लाइफस्टाइल कुछ ना कुछ बेटर हो जाएगा, बढ़िया प्रॉपर्टी में रह रहे होंगे, और उसके साथ साथ कैपिटल अप्रिसिएशन जितनी भी इस पे निकल के आएगी वो भी पूरी की पूरी आपकी होने वाली है। उस पे टैक्सेस पे करने होंगे क्या? नहीं। कल को आप ये प्रॉपर्टी बेचेंगे तो कोई और प्रॉपर्टी खरीद लीजिएगा, सेक्शन नंबर 54 के अंदर बेनिफिट ले लीजिएगा, वो गेन्स भी एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ये 500 करोड़ वाली प्रॉपर्टी मान के चलिए 1500 करोड़ में बेचते हैं, तो कल को दोबारा कोई महंगी प्रॉपर्टी खरीद लीजिएगा, 54 के अंदर आपके गेन्स पूरे के पूरे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो ये साइकिल आपकी चलते रहेगी, गेन पे गेन आप कमाते जाएंगे, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ अपनी वेल्थ में ऐड करते जाएंगे, और टैक्सेस के नाम पे क्या पे करेंगे? ठेंगा, कुछ नहीं पे करेंगे। एंड क्या यहाँ पे टैक्स एविजन करी जा रही है? बिल्कुल भी नहीं। ये बेनिफिट जो आपको दिया जा रहा है, सरकार को पता है कि ये बेनिफिट आप ले सकते हैं, उन्होंने ही सेक्शंस बनाए हैं, एंड दे वॉन्ट ये वाले सेक्शंस आपको बेनिफिट पहुंचाएं, प्रोवाइडेड आपको सेक्शंस के बारे में पता हो। तो बेनिफिट लेने के लिए सेक्शंस के बारे में बस जानकारी चाहिए होती है और कुछ नहीं चाहिए होता। पैसा बचाना इतना आसान है, प्रोवाइडेड आपको नॉलेज हो अलग अलग लॉस की। आज वाली वीडियो के अंदर यही वाली हमारी केस स्टडी थी जो कि हमें डिस्कस करनी थी। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया सीख लेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट।